हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट, कवि का क्या नाम है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन टू, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, कवि को किस तरह से डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो है बी, इट चेंज्ड हिज मूड, मतलब कि ये कवि का मूड को चेंज कर देता है। क्वेश्चन थ्री, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम, यानी इस पोयम के स्टार्टिंग में जो कवि हैं उनका मूड कैसा रहता है। क्वेश्चन थ्री का जो राइट आंसर है वो है ए, सैड मूड, वो काफ़ी दुखी होते हैं। क्वेश्चन फोर, हाउ डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, जो क्रो है ठीक है कवि पर क्या शेक करता है, क्या गिराता है। क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर है वो है सी, डस्ट ऑफ स्नो। क्वेश्चन फिफ्थ, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइज, जो कवा है और जो हेमलॉक ट्री है वो क्या सिम्बलाइज करता है। क्वेश्चन फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है ए, सरो, यानी दुख। क्वेश्चन सिक्स, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्वेश्चन सेवन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट, ठीक है पोएटिक डिवाइस क्या यूज किया गया है इस लाइन में, हैज गिवन माय हार्ट। क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर है वो है ए, अल्टरेशन। क्वेश्चन एट, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, यानी क्या अपलिफ्ट किया मूड कवि का। क्वेश्चन एट का जो राइट आंसर है वो ए, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज सोल्जर, जैसे ही बर्फ ठीक है जो स्नो होता है कवि के सोल्जर पे गिरता है, ठीक मतलब कि कंधे पे गिरता है, तो उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब सैड से वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं। क्वेश्चन नाइन, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, जो पोएट हैं कवि हैं इस बर्फ को डस्ट ऑफ स्नो क्यों कह के बुलाते हैं। क्वेश्चन नाइन का जो राइट आंसर है वो है ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, जो स्नो पार्टिकल थे ठीक है वो काफ़ी छोटे छोटे थे इसलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो कह के कभी बुला रहे थे। क्वेश्चन टेन एंड लास्ट है, व्हाट आर द टू निगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज ए कैरिज ऑफ ए पॉजिटिविटी, यानी इस पोयम में क्या दो निगेटिव क्रिएचर्स को यूज किया गया है ठीक है पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए। क्वेश्चन टेन का जो राइट आंसर है वो है डी, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।